मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूं जो आपको कटिंग करते समय बहुत ही दिक्कत आती होगी, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस कटिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने ये कुर्ती के लिए कपड़ा लिया है, बस सिर्फ कुर्ती के लिए कपड़ा लिया है मैंने, अलग से जितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से मैंने कटिंग कर लिया है। हिप के हिसाब से मैंने कपड़े की चौड़ाई उतार ली है, जैसे कि कपड़े की चौड़ाई होती है इस तरह से कि मुझे इतनी हिप बनानी है, तो इतना मार्जिन रख के मैंने ये कपड़ा उतार लिया। और इतनी लंबाई रखनी है तो मुझे इतना एक्स्ट्रा रखना है मोड़ने के लिए, तो ये मैंने अलग से रख लिया है। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के लिए मैंने कपड़ा इस तरह से उतार लिया है। अब मैं आपको इसमें कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको नाप कैसे लेना है इस कुर्ती का, देखो लंबाई आपको जितनी रखनी है अपने हिसाब से ही रखिएगा। लंबाई का कोई मैटर नहीं है इसमें बताने का कि आपको कितनी रखनी पड़ेगी, आपको जितनी मर्जी लेंथ अच्छी लगे वैसे ही आप रख सकते हैं। बाकी का नाप मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको सबसे पहले नाप लेना है तीरे का, तो तीरे का नाप लेने के लिए आपको यहाँ से नाप लेना है, यहाँ से मतलब जो कंधी ऐसे मतलब नीचे सीधा हाथ करके यहाँ तक ऊपर तक सामने तक, तो ऐसे आपको नाप लेना है। वो आपको गला देखना है कि गला कितना बनाना है, तो इसमें आ रहा है 14 इंच नाप आ रहा है। और आपको यहाँ सामने से भी नाप लेना है, ऐसे यहाँ तक इंच टेप लगाना है, दूसरी साइड यहाँ तक, जैसे कि इसमें आ रहा है 13 इंच। इस तरह से आपको नाप लेना है। प्लेट का नाप सेम वैसे ही लेना है जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको प्लेट डालनी है तो, प्लेट नहीं डालनी है तो भी आपको ये नाप ले लेना है, क्योंकि जो कमर की फिटिंग होती है ये जो फिटिंग यहाँ से होती है ना, तो ये मतलब इस हिसाब से होती है कि यहाँ से इंच टेप लगाने के बाद ये किस जगह पे आती है, तो यहाँ पे जैसे कि ये आ रहा है 14.5 इंच पे, तो इस तरह से आपको प्लेट का नाप लेना है जरूर। और अब और क्या रह गया इसमें, अगर आपको गला बंद बनाना है तो आप बंद बना लीजिए, अगर आपको खुला गला बनाना है तो ऐसे नाप लेना है गले का, ऐसे जैसे मेरा ये है 6 इंच के करीब, तो इस तरह से आपको बैक और फ्रंट दोनों गले का नाप ले लेना है। इस कुर्ती में मुझे फ्रंट का 6 इंच गला रखना है और बैक का मुझे 8 इंच गला रखना है। तो ऐसे आपको अपनी कुर्ती का नाप ले लेना है। अब मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। कटिंग बताने से पहले मैं आपको एक बार पैटर्न के बारे में बता दूं कुछ। मैंने वैसे तो हर एक वीडियो में बताती हूँ मैं पैटर्न, लेकिन आज फिर से एक बार बता देती हूँ कि हमारे पास इस तरह के पैटर्न है। देखो ये है, चेस्ट के हिसाब से नाप होता है इसका, जैसे कि ये 50 साइज का है, तो चेस्ट के हिसाब से बता दूं मैं ये कैसे नाप होती है। इस तरह से होती है, यहाँ से आपको इंची टेप लेना है और ये जो आपका नाप आता है ना, इस नाप के हिसाब से आप पैटर्न ले सकते हैं। ये जैसे 50 इंच होता है तो उसके लिए ये है, जिसका 40 होता है उसके लिए 40 साइज का मिलेगा, जिसका 32 है तो उसके लिए 32 का मिलेगा, तो इस हिसाब से आप ये पैटर्न ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको बाजू फ्री मिलेगी कुर्ती के साथ में, और अगर आपको पैंट का पैटर्न लेना है तो पैंट के साथ आपको पॉकेट मिल जाएगी। और ये आपको 5 नाप के 1100 रुपये में मिल जाएंगे, और सभी नाप के हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि पतली से पतली लड़की होती है जिसका 28 साइज होता है, 27 होता है, उससे स्टार्ट होके 50 साइज तक ये हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारे पास जैसे 5 नाप के 1100 रुपये मिल जाते हैं, सभी साइज हो जाते हैं 12, यानी कि 28 से लेके 50 तक, तो वो आपको 2400 रुपये में मिल जाते हैं। और अगर आपको 10 साइज लेने हैं तो 2000 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो इस नंबर से आप कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। पैंट के भी मिल जाएंगे, ब्लाउज के भी मिल जाएंगे, खुले गले के, बंद गले के, जैसे भी आपकी मर्जी रहेगी, आपकी डिमांड पे हम तैयार करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कुर्ती की कटिंग। मैंने ये कपड़ा इस तरह से उतार लिया है। इस तरह से कपड़ा उतारने के बाद कपड़े को लंबाई में ऐसे मोड़ लेंगे। अगर आपको कुर्ती में अस्तर लगाना है तो आप कपड़े को सीधी साइड से मोड़ेंगे, मतलब बाहर की साइड कपड़े की सीधी होनी चाहिए। अगर आपको अस्तर नहीं लगाना है तो आप कपड़े को उल्टी साइड से मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ लीजिए।
अपने कपड़े में डिजाइन देख लीजिए, अगर उल्टा सीधा इसमें डिजाइन आपको दिख रहा है तो आप यहाँ से कपड़ा बीच में से अलग करके बैक और फ्रंट पार्ट को बिछा सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही साइड का डिजाइन नहीं है, दोनों साइड का है, तो इसमें मैं इस तरह से मोड़ लेती हूँ कपड़े को, ऐसे ऐसे मोड़ने के बाद यहाँ पे रख लेंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। देखो इस तरह से मैंने ये कपड़े को फोर फोल्ड कर लिया है और मुझे इसमें 37 इंच लंबाई कुर्ती की रखनी है, तो मैंने ये 3.5-4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि मुड़ाई में अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो 3 इंच काफ़ी रहता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था तीरे का नाप लेना है, तो तीरे का नाप जैसे मैंने यहाँ से लिया था, बिल्कुल ऊपर से नहीं लिया था, थोड़ा सा नीचे से लिया था, 1.5 इंच यहाँ से नाप लिया था मैंने। इस हिसाब से ये कुर्ती रेडी करनी है। ये कुर्ती मेरी नहीं है, ये मैंने आपको नाप का अंदाजा मेरे पे ही बता दिया, लेकिन ये किसी और की है। तो इसमें मैंने तीरा लिया है 13 इंच, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसमें अगर आपको गला छोटा या बड़ा करना है, जैसे कि मुझे इसमें 8 इंच का गला रेडी करना है, अगर आपको इसमें गला छोटा करना होता, बैक गला छोटा करना होता, तो आप इसमें 7 इंच तीरा लेते, लेकिन ये 6.5 की बजाय हम लेंगे ये 6.5 इंच पे हम इसका तीरा ले लेंगे। और नॉर्मल जो कुर्ती कटिंग करते हैं हम बाजू लगाने वाली, उसमें हम 7.5 इंच आर्म होल लेते हैं, लेकिन इसमें हम लेंगे 6.25 इंच। 6.25 इंच हम इसमें आर्म होल ले लेंगे। ये यहाँ पे एल बना लेंगे 6.25 इंच पे, और जैसे कि हम यहाँ से 1 इंच पे गोलाई करते हैं, ये गोलाई हम 1 इंच पे कर लेते हैं नॉर्मल कुर्ती में जिसमें हमें बाजू लगानी होती है, लेकिन ये गोलाई हमें 1 इंच पे नहीं 1.5 इंच पे करनी है। यहाँ पे गोलाई करेंगे और इस निशान को हम ऐसे लेंगे, जैसे हम लाइन के ऊपर लेते हैं ना, तो इससे पीछे हटा के लेंगे 0.5 इंच, ऐसे लेनी है। अब यहाँ से चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, मुझे 38 इंच रखनी है, तो मैं ये निशान लगा लेती हूँ 10.5 इंच पे, 9.5 इंच पे 38 इंच हो जाता है गोलाई में, तो मैं ये 10.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ से हमें चाक रखने होते हैं, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, चाक का निशान 12.5 इंच पे मुझे लगाना है। नॉर्मल कुर्ती में अगर हम 12.5 इंच पे लगाते हैं, तो कट स्लीव कुर्ती में हम 13.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमने ये आर्म होल थोड़ा ऊपर कटिंग किया है, इसीलिए हम 1 इंच चाक को बढ़ा देंगे, तो मैं ये 13.5 इंच पे लगा लेती हूँ। अब यहाँ से हिप लेने के लिए, तो मैंने आपको नॉर्मल कुर्ती में बताया ही है, वैसे ही लेनी है, मुझे 20 इंच हिप रखनी है, तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। प्लेट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेट का आपको नाप लेना है, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे जैसे नाप लिया वैसे ही यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, 0.5 इंच ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ के, और जितना आपने निशान लिया वहीं पे आप निशान लगा देंगे। जैसे कि मैंने इस कुर्ती में 11.5 इंच पे लिया है, तो 11.5 इंच पे ही लगा देंगे, 0.5 इंच यहाँ पे छोड़ दिया मार्जिन। यहाँ से बीच का जो गैप रखना होता है वो मतलब साइज के हिसाब से होता है, 32, 34, 36, 38, जैसे कि कम साइज में ये गैप कम होता है और हैवी साइज में ये गैप बढ़ जाता है, नॉर्मल में ये रहता है 3.5 इंच पे, तो ये मैं रख लेती हूँ 3.5 इंच पे। प्लेट की लंबाई आप अपने हिसाब से रखिए, लेकिन अगर प्लेट नहीं लगानी होती तो प्लेट का नाप यहाँ तक आया और इसके 2.5 इंच नीचे तक यहाँ पे हम कमर का निशान लगा लेंगे। कमर मुझे इसमें रखनी है 34 इंच, तो 8.5 इंच पे 9.5 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे कमर की फिटिंग का, ऐसे ये निशान हम मिला लेंगे फिटिंग से और इस तरह की कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो पहले मुझे ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, इसके बाद में हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से सिलाई मार्जिन रखना है,
ये तो सिलाई का निशान लगाया है, इससे हम 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन रख के ऐसे गोलाई कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। आप देखो यहाँ पे मुझे आगे का गला रखना है 6 इंच, तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया। ये गला मैं बुकरम से बनाऊंगी तो इसलिए कटिंग नहीं करूंगी, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। और यहां से आपको बैक ऊपर नहीं उठाना होता, ये तो थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए मैंने निकाल दिया, ये तो कटिंग में चला जाएगा। अब मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ, तो इस निशान पे कटिंग करूंगी मैं क्योंकि मुझे इसमें बाजू नहीं लगानी। अब बैक आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे, तो ये फिटिंग का निशान, जैसे मैंने आपको बताया सिलाई का निशान, इस निशान से हम ये निशान सीधा ले लेंगे और ये ऊपर की साइड यहां मिला देंगे और इस निशान से थोड़ा पीछे हटा लेंगे ऐसे। इस निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे बैक आर्म होल की। यहां से बराबर कर लेंगे। यहां से अलग कर देंगे, ये लंबाई मैंने इकट्ठी ही ले ली थी। अब ये चाक के लिए कट लगा लेंगे, यहां से कटिंग कर लेंगे। यहां कमर के लिए कट लगा लेंगे। अब हम बैक गला कटिंग करेंगे। इसके लिए बैक गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। लंबाई रखेंगे 8 इंच। यहां से आप गले की चौड़ाई भी अपने हिसाब से रखिए कि आपको नीचे से डीप करना है या इसी गोलाई में सेट करना है, आप मर्जी से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये गला और बड़ा करना होता तो आपको थोड़ी सी कटिंग और करनी पड़ती, लेकिन 8 इंच गले के लिए ये इतना ठीक रहेगा क्योंकि ये हमें बिना बाजू का बनाना है। तो अंडर आर्म्स जो होते हैं तो यहाँ पे थोड़े कवर हो जाएंगे, ये पट्टी थोड़ी सी हल्की सी मोटी रहेगी। अगर बैक गला बड़ा होता बाजू लगाते तो ये पट्टी बिल्कुल पतली हो जाती यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपनी कट स्लीव कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।